एक तो हमारे जैसे लोगों को ना 25 के बाद बुजुर्ग घोषित कर देना चाहिए, युवा बुजुर्ग, क्योंकि अंदर से हम एक वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं, हमारे अंदर युवा जैसी कोई चीज बची नहीं है। अब हमारे घर के बुजुर्ग इतने बुजुर्ग नहीं है जितने हम हो चुके हैं। हम तो कहते हैं कि कंपनी वालों को सैलरी बंद करके पेंशन बांध देनी चाहिए। हमारे एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर चढ़ने में थके जा रहे हैं, ज्यादा बोल लेते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे हम सिर्फ करवटे बदल रहे हैं, बॉडी लोशन की जगह मूव और आयोडेक्स ने ले लिया। यहाँ तक कि हमारे कमरे से विक्स की महक आती है। बाहर जाते समय हम लोग सनस्क्रीन लगाना और चश्मा पहनना भूल सकते हैं, लेकिन पेट दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, मुंह दर्द, उल्टी, दस्त, मतली, इन सब की दवाइयां नहीं भूलते हैं। और उसके बाद दुनिया हमसे उम्मीद कर रही है कि हम लोग पहाड़ पलटते हैं। अरे भाई, हमसे एक ईंट, एक कंकड़ तक नहीं खिसकाया जा रहा है। तुम लोग पहाड़ की बात कर रहे हो, हमारा बस चले तो उसी पहाड़ में कंबल ओढ़ के सो जाए हम लोग। तुमको क्या लग रहा है कि ये स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट ये सब क्यों चल रहा है? ये सब इसलिए नहीं चल रहा है कि फास्ट डिलीवरी है, कि कंपनी बहुत अच्छी है, कि खाना बहुत अच्छा है। ये सब इसलिए चल रहा है कि देश का युवा आलसी है, युवा से उठा नहीं जा रहा है, युवा के जोड़ों में दर्द रहता है। इसलिए युवा से उम्मीदें मत पालो भाई, युवा से खुद का काम नहीं संभाला जाता, दूसरों का क्या संभालेगा।